क्राफ्ट विद मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अलग ही तरह की रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम टमाटर के चटपटी अच्छी सी चटनी बनाने वाले हैं, जो कि टमाटर और प्याज का बनाएंगे। तो अगर आपके पास इस तरह की जाली है तो इस तरह के जाली पे आप टमाटो को अच्छे से रोस्ट कीजिए, अगर नहीं तो आप एक फोर्क के सहायता से टमाटो को इस तरह से होल्ड करके और लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह से टर्न करते हुए सारे टमाटर को पका ले। अगर इस तरह से भी नहीं करना है फ्रेंड्स तो आप एक पैन लीजिए और पैन में इसे रख करके और आराम से इसे पकने दीजिए। एकदम ही ऊपर से छिलका हाई फ्लेम में मत कीजिएगा, नहीं तो ऊपर से छिलके इसके जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से पकेंगे नहीं। तो इसे आप इस तरह के फ्लेम में लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से इसे पका लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने सारे टमाटर को एकदम ही इस तरह के लो टू मीडियम फ्लेम में पका करके रेडी कर ली हूँ। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके सारे छिलकों को अलग कर लेंगे। इस तरह से छिलके निकाल करके हमने इस तरह से रफली हमने कट कर लिया है, जिससे कि आप चाहे तो इसे अच्छे से कट करके एकदम ही मैश करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हम इसमें इस तरह का अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप लीजिए और इसमें हम डाल करके कुछ सेकेंड्स के लिए चला लेंगे। हमें एकदम ही पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा कोर्सली पीस करके हमें रेडी करना है। बहुत ही टेस्टी और काफी चटपटी ये चटनी बनती है। ये इस तरह से हमने रेडी कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा देख सकते हैं बनकर रेडी हुआ। अब हम इसमें एक बताना चाहूंगी, ये सरसों तेल है। इसमें सरसों तेल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये कच्चा सरसों तेल है, इसे हमने पका करके नहीं लिया है, तो हमें ये बहुत अच्छी लगती है इस चटनी में इसका टेस्ट। तो वो हमने एक बड़े चम्मच डाला है। थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे और इसमें हम ये बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, अजवाइन। अजवाइन डालने से इस चटनी की टेस्ट बहुत बढ़ जाती है और काफी अच्छा लगता है। अदरक 1 इंच, इसे भी हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। ये 3 से 4 लहसुन की कलियां है, इसे भी छोटे टुकड़ों में देख सकते हैं कट करके लिया है हमने। अब टेस्ट के अनुसार नमक, तो इन सबको मिक्स कर लीजिए और आप दाल चावल या पराठे के साथ इस चटनी को एंजॉय कीजिए। बनाने में भी आसान और टेस्ट में भी बहुत अच्छा। अगर कुछ नहीं है तो आप इस तरह की चटनी बना करके आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चटनी बनकर के रेडी हो गई। आप जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमें देते रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।